मैंने आज पार्टी के दो प्रमुख कार्यकर्ताओं के सहित मनसुख भाई और शंकर भाई के साथ इस बार के राज्यसभा के लिए नामांकन भरा है। हम गुजरात की जनता के, गुजरात की पार्टी के, माननीय मुख्यमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी के और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के, उनके प्रदेश अध्यक्ष अपने श्री बंधु साहब के बहुत बहुत आभारी हैं कि हम तीनों को उन्होंने इस नामांकन के काबिल चुना है। हम संसद में, क्योंकि राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का सदन है, इसलिए देश के विषय भी आते हैं और राज्यों के हित के विषय भी आते हैं और इसलिए राज्य की आवाज बनकर वहां पर प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये दैट्स प्योरली एन इंटरनल मैटर ऑफ द पार्टी। द पार्टी एंड ही आर इन टच विद ईच अदर। ही हैड बीन आस्क्ड टू रिजाइन आफ्टर द लोकायुक्त रिपोर्ट एंड द क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन विच अरोज आउट ऑफ द लोकायुक्त रिपोर्ट। That prosecution has been quashed on the ground that the Lokayukta had not granted him an opportunity of hearing. There were some factual inaccuracies also found. So he has been in dialogue with the party that the reason why he was removed no longer exists. The party is in touch with him. I am personally in communication with him. It's purely an internal party issue. And we will resolve that issue. I am not hinting anything. The party is in dialogue with him, and I don't see it as any serious problem. We will resolve that issue. Sir, Yediyurappa ji aur party ke bhitar jo baat chal rahi hai, wo party ka bhitri mamla hai. Unka kehna hai ki jis report ke aadhar par mujhe hataya gaya tha, wo ab न्यायपालिका ने उनके पक्ष में निर्णय कर दिया है, वो आधार नहीं बचा, इसलिए उनको वापस लाया जाए। पार्टी उनसे बातचीत कर रही है, मेरी स्वयं भी उनसे बातचीत हुई है। ये कोई गंभीर विषय नहीं है, ऐसे विषय पार्टियों में आते रहते हैं और इसका हल हम ढूंढ लेंगे। मैं कोई नहीं कर रहा, क्या करना है इन विषयों पर पार्टी संयुक्त निर्णय लेती है, मैं कोई इस पर संकेत नहीं दे रहा, लेकिन मैंने केवल बताया कि वो क्या कह रहे हैं और पार्टी इस पर क्या चर्चा कर रही है।